दो पटवारियों के निलंबन के चलते मध्य प्रदेश पटवारी संघ इंदौर संभाग के लोगों द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के संभाग अध्यक्ष योगेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पटवारियों द्वारा रात दिन काम करने के बाद भी दो पटवारी साथियों को निलंबित किया गया, जबकि पटवारी साथियों के पास न तो संसाधन है और न ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। दिन भर फील्ड में कृषकों से आवश्यक दस्तावेज लेते हैं और रात में उन्हें अपडेट करते हैं। उसका यह परिणाम है कि दो पटवारियों को निलंबित कर दिया गया। इससे पटवारियों में रोष है। सर, हम ये प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि वर्तमान में इंदौर जिले के अंदर सारे पटवारी बहुत परेशान हैं, बहुत मानसिक टेंशन में कार्य कर रहे हैं। हमारे को समय बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है कार्य करने का, और ये कहा जा रहा है कि काम करिए, अर्जेंट करिए, तत्काल करिए, और कुछ काम ऐसे लगते हैं कि तत्काल में भी समय की आवश्यकता पड़ती है। इस वर्तमान में हम लोग अभी CM किसान, PM किसान और मुआवजा पत्रक के अंदर कार्य कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोगों को डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और डाटा कलेक्ट करने में हमारे को यह समस्या पड़ती है कि कुछ जो किसान हैं गांव के बाहर निवास करते हैं, उनकी ज़मीन दूसरे गांव में रहती है, कुछ जो इनकम टैक्स पे ही हैं, उद्योगपति हैं, इन लोगों से डाटा कलेक्ट करने में हमको समस्या आ रही है। ये लोग समय पर डाटा देते नहीं हैं, और हमारे को ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपको कैसे भी कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये काम करो, इनको कंप्लीट करो, समय सीमा चाहिए, और कार्य करने के लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए, हमें बताया जाए कैसे करना है। हर बार हर दो दिन में एक नया प्रारूप आ जाता है कि इस प्रारूप में आपको जानकारी दीजिए, हम उस प्रारूप पर काम करते हैं, फिर दो दिन बाद नहीं, ये नहीं, आप इसको ऐसा करिए। समय तो चाहिए, बिना समय के और हमारे पटवारी दिन भर गाँव गाँव या एंट्री। पटवारी कहाँ कहाँ के पटवारी आए हैं यहाँ पर? ये पूरे इंदौर जिले के पूरे पटवारी आए हुए हैं, सारे सभी तहसीलों से तो यहाँ पे पटवारी आए, क्योंकि सभी को समस्या आ रही है। इन समस्या को लेकर हमने कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था, कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन भी दिया था कि हमारे को प्रताड़ित न किया जाए, कार्य करने के लिए हमको समय दिया जाए। उसके बाद भी हमारे दो पटवारियों को यहाँ पर निलंबित किया गया है, उनकी बहाली का भी हम यहाँ पे हमारी मांग है, उनकी बहाली भी की जाए, और हमारा ये भी मांग है कि संसाधन दिए जाएं, और संसाधन तो हम लोग मैनेज कर ही रहे हैं। और संसाधन यानी कि क्या? संसाधन कंप्यूटर, लैपटॉप, लैपटॉप दिया जाए, और वो मोबाइल दिया जाए, मोबाइल डाटा दिया जाए, क्या समय, और सबसे बड़ी बात हमको समय दिया जाए। हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि रात भर काम करके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इंदौर जिले में कितने पटवारी हैं। इंदौर जिले में पूरे सभी तहसीलों के 300 पटवारी काम हैं, हाँ सर, और सभी पीढ़ी से काम सभी लगे हुए हैं। स्पेशली कि हम लोग दिन में डाटा कलेक्ट करते हैं, रात को हम ऑनलाइन फीडिंग करते हैं, कभी कभी क्या नेट की समस्या भी आ जाती है, कुछ डाटा जो होता है हमारे पटवारियों पर समय समय पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो पटवारियों पर आरोप लगते हैं उनकी जाँच किया जाए, अगर वो गलत हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी पटवारी के खिलाफ अगर आरोप लगता है उसकी विधिवत जांच किया जाए, उसके लिए एजेंसी बनी हुई है। अगर कोई पटवारी के खिलाफ शिकायत आती है लोकायुक्त में जाए, लोकायुक्त से शिकायत किया जाए, अगर कोई पटवारी एक्चुअल में गलत है, एक्चुअल में गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमारे लिए हमारा कोई वो नहीं, कोई आपत्ति भी संघ कभी भी उनके साथ में नहीं खड़ा है। जो पटवारी गलत काम करे उसके लिए संघ नहीं खड़ा हुआ है। अगर यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या बड़ा आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, हमारी मांगे नहीं मानी गई है तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। आंदोलन इंदौर जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन होगा, और पूरे प्रदेश के पटवारी सब इस बात को लेकर प्रस्ताव रखेंगे और कलम पर हड़ताल करेंगे। आपका परिचय? अशोक वाजपेयी, जिला अध्यक्ष इंदौर पटवारी संघ। वर्तमान समय में जो सबसे अधिक प्राथमिकता का कार्य चल रहा है वो क्षतिपत्रक का चल रहा है, जो सोयाबीन में नुकसानी हुई थी उसका कार्य चल रहा है। अब उसमें समस्या हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के थे किसान, उनके तो हमने दस्तावेज उपलब्ध करवा लिए, पर जो बाहर रहते हैं उनके दस्तावेज उपलब्ध कराने में हमें समस्या आ रही है। उनके एक तो हमारे पास पते नहीं है, अब ऐसी स्थिति में काम करना बड़ा विकट समस्या आ गई। तहसीलदार है एडो के हमारे पर दबाव आ रहा है कि काम आप तत्काल करिए, जबकि ये संभव नहीं है, और ये पैसे से संबंधित मामला है। अगर मान लो किसी को गलत पेमेंट चला गया तो आपराधिक प्रकरण पटवारी पर ही दर्ज होगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि हमें समय सीमा दी जाए, हमें आराम से काम करने दिया जाए। इंदौर जिले में किन क्षेत्रों के पटवारियों पर ज़्यादा दबाव है फिलहाल में? नहीं, पूरे इंदौर जिले के ही दबाव चल रहा है। और विगत 10 माह से जो काम पेंडेंसी थी, जो काम राजस्व के नहीं हो रहे थे, वो पटवारियों ने सबने मिलकर करा। एक तो काम की व्यस्तता हमारे पास वो भी ज़्यादा रही कि जो 10 महीने में काम नहीं हो पाए हमने 1 महीने में कर दिए। अधिकारी को ये तो सोचना चाहिए कि अगर इतनी पेंडेंसी निपटी तो किनके बदौलत निपटी है, हम लोग रिपोर्ट नहीं लगाते तो एक पेंडेंसी कैसे निपटती। तो थोड़ा सा ये भी हर चीज़ पर आप पटवारी पर दबाव डालोगे तो ये संभव नहीं है। आगामी समय में चुनाव भी होने को है, नगर निगम चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, और यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या चुनाव पर इफेक्ट होगा इसका? देखो, शासन की नीति का हम कभी विरोध नहीं करते, हम हमेशा शासन के सहयोग में रहे,
और हमसे जितना बन सका है उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर कर रहे हैं। हमारे पटवारी साथियों ने रात रात भर यहाँ पे फिटिंग करा भी, पूरी रात रात जगह पटवारी, और चुनाव का जो प्रभाव हैगा, चुनाव का प्रभाव तो जो पड़ना है फिर वो वक्त बताएगा। आंदोलन तो करना पड़ेगा, अगर ऐसी मांगे नहीं मानेंगे तो फिर हमें आगे उचित कार्रवाई करना पड़ेगी। आपका परिचय?